मेरा नाम कुशल कुमार, ये क्या सेल्टोस का STE वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट रहने वाला है। सबसे बेस्ट और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे इस कार का बेस वेरिएंट लगा। अगर आप बेसिक फीचर्स अपनी कार में चाहते हैं तो आप आफ्टर मार्केट वर्क कराना कोई भी नहीं चाहते हैं, सभी जरूरत के फीचर चाहते हैं, जैसे आप 2D का एनफोटेनमेंट सिस्टम चाहते हैं, चाहे रिमोट सेंटर लॉकिंग हो, और इनके अलावा भी काफी बढ़िया फीचर इस कार में दिए गए हैं। और मेन जो है उस कार का प्राइस है। टाइम में खड़ा हूँ AVS किया शोरूम पर। इनका शोरूम हरिद्वार और रोड की दोनों ही जगह है। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। अगर आपको कोई भी किया की कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10,90,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको ये वाली कार मिल जाएगी। इतने प्राइस में आपको हैचबैक कार के टॉप मॉडल ही मिलते हैं, जिनमें आपको फीचर्स तो बढ़िया मिल जाएंगे। टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, पर लेकिन डायमेंशन इससे कम रहेगी और लुक भी इतना अच्छा नहीं लगेगा उन कार का देखने में। अगर आप चाहते हैं कि बड़े डायमेंशन की कार, तो आप किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। इसीलिए जो सबसे ज्यादा सेल होता है किया सेल्टोस का वेरिएंट, वो इसका बेस वेरिएंट ही है, क्योंकि सभी के जरूरत के फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। फिर आप अपने हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन करा के इसको बढ़िया बना सकते हैं, पर लेकिन आप मॉडिफिकेशन भी नहीं कराएंगे तब भी कार देखने में काफी बढ़िया लगती है। अगर आप एक्सटीरियर से भी देखेंगे तो कोई भी कमी नहीं रहेगी इस कार में। और इंटीरियर में भी आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और अब किया सेल्टोस में आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे, तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाने वाला है। तो चलिए फिर करता हूँ मैं इस कार की से, तो कुछ तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग रहने वाली है, जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, और कार की बूट को अनलॉक करने के लिए फिलिप की रहेगी ये। और किया का दिया गया है लोगो यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। और ये रही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि प्रोजेक्टर में रहेंगे, इंडिकेटर दिया जाएगा आपको यहाँ पर। और ये रही ग्रिल इस कार की, जो कि सिल्वर फिनिश में रहने वाली है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। किया का हो गया लोगो। फोग लैंप आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं दिए गए, आप इससे अपर वेरिएंट लेंगे तो आपको उसमें फोग लैंप दिए जाएंगे। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। डायमेंशन वाइज अगर आप देखते तो काफी बढ़िया इस कार की डायमेंशन रहने वाली है। जो भी डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। और ये रही साइड प्रोफाइल 16 इंच की, आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। 205/65 R16 की प्रोफाइल रहने वाली है। यहाँ पर दिया गया है किया का लोगो, देखने में काफी बढ़िया लगते हैं इसके व्हील कवर्स। इनसे ऊपर की साइड मिल जाएगी आपको क्लैडिंग जो कार की पूरी बॉडी तक रहेगी। और इंडिकेटर दिया जाएगा आपको इस कार के फेंडर पे। और ये रहा इस कार का ORBM जो कि आपको बॉडी कलर का दिया जाएगा। ए पिलर हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का, डोर हैंडल बॉडी कलर के, उस तरह का रहेगा। फिर इंटीरियर इस कार का, जैसे आप देखते कितना बढ़िया लगता है इंटीरियर इस कार का, कोई नहीं कहने वाला इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है, क्योंकि आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। फिर आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या फीचर्स दिए गए इस कार के इंटीरियर वो आपको मैं बता दूंगा। बी पिलर हो गया इसका ब्लैक कलर का, ऊपर साइड रिफ्रेश नहीं है। और ये रहा बैक डोर हैंडल, कितने साइज का हो गया यहाँ पर ग्लास। फ्यूल लीड हो गया इसे को ड्राइवर साइड। फिर ये साइड प्रोफाइल इस कार की, और मैं आपको उसकी बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं उस तरह की लगती है कार बैक से देखने में। और ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा इसके बेस वेरिएंट में भी। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर हो गया, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर वाइपर, डिफोगर, बोस्टर जैसे फीचर्स आपको इसके अपर वेरिएंट में दिए जाएंगे। और ये इसकी टेल लाइट, हैलोजन बल्ब मिल जाएगा, इंडिकेटर बैकलाइट में भी। यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी। किया का हो गया लोगो सिल्वर में, सेल्टोस की बेजिंग, नीचे साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट। चार पार्किंग सेंसर दिए जाएंगे आपको उसके बेस वेरिएंट से ही। और मैं आपको उस कार का बूट दिखा दूं, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। कार की बूट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, पांच सीटर यहाँ पर नहीं है। 433 लीटर का हो गया बूट स्पेस। स्पेयर व्हील दिया जाएगा आपको यहाँ पर, और टूल किट भी। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखा आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे, फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। और इसको एक्सटीरियर से भी देखते हैं तो इसमें आपको व्हील कवर्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर, हैलोजन हेडलैम्प्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग। और जो मेन फीचर्स बढ़िया दिए गए हैं वो उस कार के इंटीरियर में है। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा। अगर आपको ये वाले फीचर्स कम लगते हैं, अगर आपको और फीचर चाहिए अपनी कार में, तो आप इसके अपर वेरिएंट को देख सकते हैं जो कि STK वेरिएंट है। उस वाले वेरिएंट के लिए आपको 1,06,000 रुपीस एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर उनमें आपको फीचर में क्या क्या डिफरेंस दिया जाएगा वो भी वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का CRDI BGT इंजन मिल जाएगा, 1500 CC का, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो चलिए मैं आपको उस कार का इंटीरियर दिखा दूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उस कार के इंटीरियर में। वो बाहर से देखने में कुछ अलग लगता है इंटीरियर, कार का डुअल कलर का रहेगा इंटीरियर, देखने में काफी बढ़िया लगता है इंटीरियर इस कार का। जैसे आप यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी और ब्लैक कलर में रहेगा इंटीरियर। और ये ड्राइवर साइड डोर इस कार का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM आपको इसमें नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको स्टिक मिल जाएगी ORBM को एडजस्ट करने के लिए। डोर ओपन हो गया ग्रे कलर का। स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको उसके बेस वेरिएंट से ही, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के लिए बटन, हो गया स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस,
और फिर बाहर से देखने में कुछ अलग लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हेडसमेंट का हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का, फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है। और ये इस कार का बैक डोर, डोर मिल जाएगा आपको यहाँ पर सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, स्पीकर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, बटन बोर्ड हो गया, स्पेस डॉक्यूमेंट स्पेस। तो वैसा तो कुछ रहने वाला इंटीरियर कार का, सभी बेसिक फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में दिए जाएंगे। क्या क्या फीचर्स ऑफर करे जाते हैं वो इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो भी स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, जैसे आप देखो उस तरह के लगेंगे। किया का हो गया लोगो, सिल्वर फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर। और मैं आपको इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया था, ऑन करने के बाद आपको उस तरह की मिल जाएगी जो कि फ्लिप की रहेगी, ऐसा मैंने आपको बताई दिया। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर दिया जाएगा आपको इसमें एनालॉग, बीच में कुछ साइज की होगी एमआईडी, जिसमें इसका कितना चल गया कार, क्या माइलेज दे रही, वो आपको सब कुछ इसमें दिखता रहेगा। आरपीएम मीटर हो गया यहाँ पर और स्पीडोमीटर यहाँ पर, फ्यूल के लिए हो गया यहाँ पर और टेम्परेचर के लिए। और इस कार का सेंटर कंसोल, टू टिन का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये रहेगा। और यहाँ पर आपको बटन मिल जाएंगे उस तरह के, देखने में काफी बढ़िया लगता है इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार का। हजार लाइट को हो गया बटन, दो एसी वेंट्स, मैनुअल एसी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, कुछ तरह के कंट्रोल्स रहेंगे। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट दिया जाएगा आपको यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस। और 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का गियर नॉब दिया जाएगा आपको यहाँ पर, सिल्वर फिनिश, वाटर बॉटल हो गया स्पेस। और ये कार का आर्म रेस्ट, कुछ स्पेस मिल जाता है। और ये रहा हैंड ब्रेक, सन वाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर दिया जाएगा, सनग्लास होल्डर, कैबिन लैंप हो गए जो कि हैलोजन में रहेंगे। ओएस कार का आईआरबीएम, मैनुअली टेनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। और ये रहा को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर दिया जाएगा आपको यहाँ पर, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगी इस कार की। बीएस वेरिएंट से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट में, और फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है, वैसे मैंने आपको दिखाई दे। यहाँ पर आपको ग्रे कलर मिल जाएगा, डुअल कलर में रहेगा डैशबोर्ड इस कार का, ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर इस कार का, डोर ओपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, बाटर बोटल को स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और मैं आपको सारा ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, जैसे आप देखो इतने साइज का इस कार में आपको ग्लव बॉक्स दिया जाएगा। तो ओवर कुछ रहेगा था फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए फिर लेके जाता हूँ उस कार के रियर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। मेरी हाइट 6 फीट है, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा। तो वैसे कितना लेग रूम मिल जाएगा आपको इस कार में, रियर सीट पर बैठे कुछ तरह का लगेगा डैशबोर्ड इस कार का, फ्रंट में कैबिन लैंप हो गया और बैक में भी आपको कैबिन लैंप दिया जाएगा यहाँ पर जो कि हैलोजन में रहेगा, ग्रैब हैंडल हो गया, फ्रंट में एडजस्टेबल हेड रेस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, और बैक में आपको फिक्स हेड रेस्ट दिए जाते हैं, कितने साइज को हो गया यहाँ पर ग्लास, ग्रैब हैंडल। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर में हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल हो गया स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। रियर एसी वेंट दिए जाएंगे आपको इसके बेस वेरियंट से ही, यूएस चार्जिंग पोर्ट हो गया यहाँ पर, थोड़ा स्पेस, कितने साइज का रहेगा बम्प। तो भाई ओवर को सका था इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, सभी बेसिक फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट के इंटीरियर में दिए जाएंगे, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। और अंदर थाई सपोर्ट भी अगर आप इस कार का देखते हो तो काफी बढ़िया रहेगा, कंफर्टेबल सीट्स रहने वाली है इस कार की। तो चलिए कुछ तरह का था इस कार का बैकग्राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा सभी बेसिक के फीचर्स मिल जाएंगे आपको इस कार में, फीचर्स की कोई भी कमी नहीं लगेगी आप इस कार को एक्सटीरियर और इंटीरियर से दोनों से देखेंगे, क्योंकि आपको उसमें बिल कवर्स मिल जाएंगे, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, चारों पावर विंडो कंट्रोल, टू टिन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, यही बेसिक फीचर्स तो होते हैं जो आपको आफ्टर मार्केट करवाने की जरूरत पड़ती है, और यही सब आपको बेस सेट में मिल जाता है 10,70,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पर ही। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। मुझे तो काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा इस कार का, बिल्कुल बेस वेरिएंट। अगर आपको और फीचर चाहिए, फीचर रिच वेरिएंट चाहिए, तो आप इनके HTX वेरिएंट के साइड जा सकते हैं, उस कार की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आपको वाली वीडियो देखने तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इससे एक अपर वेरिएंट भी आता है जैसे मैंने आपको बताया दिया था, जो कि STK वेरिएंट है। STK वेरिएंट का प्राइस 1,06,000 रुपीज ज्यादा है STE वेरिएंट से। फिर उतने प्राइस में आपको 8 इंच का टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर मड फ्लैप्स दिए जाएंगे, ड्राइवर वन टच डाउन विंडो, पावर मिरर्स, रियर व्यू कैमरा, बूट लाइट, रूफ रेल्स, और जो इंडिकेटर्स रहेंगे वो आपको ORGM पर दिए जाएंगे, बेस एंड की तरह आपको फेंडर पे नहीं दिए जाते हैं। वो हैलोजन प्रोजेक्टर, फोग लैंप्स और रियर कैमरा जैसे फीचर्स आपको इसके STK वेरिएंट में दिए जाएंगे।
आपको ये वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं 1,60,000 रुपीज के प्राइस में, तो आप इसके STK वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, वरना आप वैल्यू फॉर मनी तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका STE वेरिएंट है, अगर आप बेस वेरिएंट लेके 1,60,000 रुपीज या फिर 1,00,000 रुपीज पे लगाते हो, कुछ थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन कराते हैं, तो फिर देखने में कार काफी बढ़िया लगेगी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद।